हेलो क्लैशर्स, कैसे हैं आप लोग? होप्स आप लोग बहुत ही शानदार होंगे। कल से काफ़ी सारे क्लैशर्स मुझे बोल रहे थे कि एक न्यू ऑप्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप का बन के आया कुछ लोगों के अकाउंट में और मेरे अकाउंट में नहीं आया। इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों का मुझे कंप्लेन यहाँ पे देखने को मिला था। फिर मैंने कुछ रिसर्च किया और आज मैं पूरी फुल डिटेल बताने वाला हूँ कि क्यों आपके अकाउंट में नहीं आ रहा और किस किस के अकाउंट में आएगा और साथ में क्या है रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी क्लैश ऑफ क्लैंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और जानना चाहते हो फुल इन्फॉर्मेशन इस टूर्नामेंट से रिलेटेड, तो इस वीडियो में बने रहो। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग हिंदी में बातें करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे हम लोग सबसे पहली बात करते हैं कि जो ऊपर वहाँ पे कॉर्नर में देख रहे हैं ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का साइन आप लोग के अकाउंट में क्यों नहीं बन रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पे 100% मेंशन कर देना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो न्यू टैब आया है वो उन्हीं लोग के अकाउंट में बनेगा जो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबल कहने का मतलब है अगर आप क्लैश ऑफ क्लैन के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना चाहते हो और आपका क्लैन चैंपियन 1, 2 या फिर 3 में है तो ही आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इन्हीं तीनों लीग के क्लैन के लीडर के पास जाके ये ऑप्शन बनेगा, जिसका ये मतलब होता है गाइस कि आपका क्लैन एलिजिबल है और आप इस एलिजिबल क्लैन को अगर चाहो तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में उतार सकते हो अपने टीमों को। ये कतई जरूरी नहीं है कि अगर जो भी लीडर रजिस्टर करवाता है उसको खेलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। 5 का टीम आपको बनाना पड़ता है, वो सारी डिटेल हम लोग आगे वीडियो में बताऊंगा जिससे आप एकदम एग्जैक्टली समझ जाओगे कि किस किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवाना है। सो पहला पॉइंट क्लियर कर लो गाइस, जो भी टीम यहाँ पे एलिजिबल है बस उसी को यहाँ पे बन के आता है उसके लीडर के अकाउंट में, बाकी लोगों को यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा ये टैब। जब भी आपका क्लैन एलिजिबल हो जाएगा तब आपको ये टैब देखने को मिल जाएगा इन गेम, वो भी लीडर्स के अकाउंट में। ठीक है, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप पे किस तरह से आपको रजिस्टर करवाना है वो चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में बातें कर लेते हैं। सो गाइस जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो टूर्नामेंट हब का एक टैब खुल करके आएगा जिसमें आप लोग को एक क्रिएट टीम का ऑप्शन रहेगा होम पेज पे, जहाँ पे एक माई टीम का भी ऑप्शन दिया जाएगा, वहीं पे एक ब्रैकेट्स भी दिया जाएगा। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है क्लैश ऑफ क्लैन के वर्ल्ड चैंपियनशिप या ऑफिशियल टूर्नामेंट से, वो सारी चीज़ें इधर आपको देखने को मिलेंगी और सारी डिटेल भी आपको इधर ही देखने को मिलेंगी। आप लोग को सबसे पहले करना क्या है कि आप लोगों को क्रिएट टीम पे क्लिक करना है। ओके, आप लोग जो भी एलिजिबल हो क्लैन के लीडर हो वो क्लैन के लीडर को सबसे पहले अपने टीम को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा टीम। जितने लोगों को आप लेना चाहते हो अपने टीम में से उन सारे लोगों को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करवाओगे? सिंपली आप लोग को सबसे पहले क्रिएट टीम पे क्लिक करना है, जस्ट लाइक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्रिएट टीम पे आप लोग को क्लिक करना है, होम पेज पे आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस जैसे ही आप लोग क्रिएट टीम पे क्लिक करोगे इनवाइट मेंबर का यहाँ पे एक टैब खुल के आएगा जहाँ पे मेंबर्स के लिस्ट रहेंगे। उन मेंबर लिस्ट में से आपको 5 ऐसे क्लैशर्स को चूज करना है जिसपे आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपको विनिंग दिला सके। उसके नाम के बगल में आप लोग एकदम स्ट्रेट देखोगे तो वहाँ पे उसके टाउन हॉल भी लिखे रहेंगे, तो वैसे में आप लोग को 5 ऐसे मेंबर्स को सेलेक्ट आउट करना है। जस्ट लाइक आप लोग देखोगे जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाओगे वहाँ पे ब्लू मार्क का साइन बनते जाएगा उस स्क्वायर वाले ब्लॉक में। ओके, अब जैसे ही आपके 5 मेंबर सेलेक्ट हो जाएंगे, जिसमें से ध्यान रहे एक को लीडर होना चाहिए और एक लीडर होना चाहिए, ठीक है, तो इतना चीज़ तो होना ही चाहिए। और साथ में गाइज आपको ये सारे मेंबर सेलेक्ट करने के बाद चूज टीम पे क्लिक करना है। ओके, नीचे सबसे नीचे ऑप्शन बन के आएगा, ग्रीन ऑप्शन हो जाएगा अगर आप 5 मेंबर सेलेक्ट कर दोगे तो। यहाँ पे चूज टीम पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको बन के आएगा जहाँ पे पूछा जाएगा कि टीम का कैप्टन कौन होने वाला है। यहाँ पे जो आप टीम चूज कर रहे हो इसमें अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि टीम का कैप्टन किसको बनना है। टीम का कैप्टन का ऑप्शन उन्हीं लोगों के पास आएगा जो कि वहाँ पे जो सेलेक्ट हुए मेंबर वो को लीडर है या फिर लीडर है। तो लीडर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता है कि टीम का कैप्टन किसको बनाना है, चाहे वो खुद भी बन सकता है यानी तो दूसरे को लीडर को भी बना सकता है। तो मान के चलिए जो भी टीम का कैप्टन होगा फिर वही टीम को आगे जाके लीड करेगा, सारी चीज़ें उसके पास ही आएंगी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ये मोस्ट एक्टिव प्लेयर को बनना चाहिए टीम का कैप्टन और जिसको सबसे ज़्यादा पता हो अपनी टीम के बारे में, ठीक है। अब जस्ट लाइक आप किसी को लीडर को यहाँ पे बना दिए कि टीम का कैप्टन और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ग्रीन मार्क का साइन बन जाएगा सबमिट का, आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपकी टीम हो जाएगी रेडी। अब आप लोग को उस टीम को रजिस्टर करवाना है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, यहाँ पे सिंपली आप लोग को इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है।
अब यहाँ पे जो क्रिएट टीम का ऑप्शन बन के आ रहा था, अब वो चीज रिप्लेस होकर के आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का बटन। ओके, अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का बटन दिखेगा, इस रजिस्ट्रेशन के बटन पे आप लोगों को क्लिक करना है। ध्यान रहे, होम पेज पे ये आप लोगों को दिखेगा। उसका रजिस्ट्रेशन का सबसे पहला पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको एकदम सही सही मेंशन करना है, क्योंकि आगे जाकर के आपसे प्रूफ भी मांगा जाएगा, आप 18 प्लस हो कि नहीं हो, बाकी सारी चीज़ें। तो एकदम जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में यहाँ पे शो होता है डेट ऑफ बर्थ, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है, बाकी इधर उधर की चीज़ें मत करना है, नहीं तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और आप खेल भी नहीं पाओगे। उसके बाद गाइज आप लोग को नीचे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगेगा, आपको सारी चीज़ों पर टिक मार्क लगाना है, यानी ब्लू मार्क लगाना है सब पे, आप क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर एंड कनेक्ट टू डिस्कॉर्ड पे आप लोग को जाना है। जैसे ही आप लोग इस ग्रीन बटन पे क्लिक करोगे रजिस्टर एंड कनेक्ट डिस्कॉर्ड पे, आपका तुरंत मोबाइल में डिस्कॉर्ड सर्वर ओपन हो जाएगा। तो जस्ट लाइक आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप लोग के फोन में डिस्कॉर्ड है या फिर लैपटॉप में डिस्कॉर्ड है, तो आप लोग का इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा टैब, और उसके बाद आप लोग को ऑथराइज देना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑथराइज देने के बाद आप सक्सेसफुली क्लैश ऑफ क्लैन के वर्ल्ड चैंपियनशिप के डिस्कॉर्ड सर्वर पे एज अ प्लेयर सेलेक्ट हो जाओगे। अब जैसे ही आप लोग वहां पे सबमिट पे क्लिक कर दोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे ऊपर सीयूसी प्लेयर #1234 करके आ गया है। तो ये प्लेयर टैग जो है ना, वो आपका डिस्कॉर्ड का यूजर नेम होने वाला है, और वही यूजर नेम आप लोग का यहाँ पे शो होगा, और ये यूजर नेम आपको दर्शाएगा कि आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे सक्सेसफुली ज्वाइन कर चुके हो, इसलिए आपका ये यूजर नेम डिस्कॉर्ड का यहाँ पे शो हो रहा है। अब सारी चीजें आपका यही यूजर नेम से चलेंगी आगे, और इसी के साथ साथ यहाँ पे गाइस एक और मैसेज पॉपअप होकर के आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। इस मैसेज में ये बताया जाता है कि अगर आपका दो अकाउंट किसी मतलब दो क्लैन में हो, या फिर एक ही क्लैन में दो अकाउंट है आपका, तो आप उन दोनों अकाउंट के साथ एक बार में प्ले नहीं कर सकते, यानी वन प्लेयर के पास ओनली वन अकाउंट ही होना चाहिए और वो ओनली वन क्लैन में ही खेलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि तीन चार क्लैन में वो खेल रहा है वर्ल्ड चैंपियनशिप और वो अपने अलग अलग आईडी से। तो गाइज इंसान एक होगा, उसके पास एक ही अकाउंट होगा, वो एक ही क्लैन में खेलेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये क्लैश ऑफ क्लैन के वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूल्स में है। तो गाइज आप लोग के पास अगर दो अकाउंट है, तो उसमें से कोई एक ही अकाउंट सबसे बेस्ट क्लैन में रखो और उसके साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलो। सो उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको माई टीम में कुछ इस तरह का लॉग दिखेगा, जहाँ पे जो अपकमिंग मैचेस है उसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रीवियस मैच एंड हो चुके हैं उसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा, जो रोस्टर्स होंगे उसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा, और सारी मतलब जो डिटेल्स होंगी ना आपके मैच से रिलेटेड, टूर्नामेंट से रिलेटेड, आपके माई टीम में सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दी जाएंगी, और साथ में आप कितना विन किए हो मैचेस, कितना लूज किए हो, वो चीज़ भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाया जाएगा। सो उसी के साथ साथ गाइज आप जो अपने रोस्टर्स को रखे हो उनको मैनेज भी कर सकते हो, सारी चीज़ आपके पास और आपके हक में होंगी। तो इस टैब में अपने टीम को ऑल ओवर बहुत ही अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे और नज़र रख पाओगे किसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसे आपका टीम विन किया है, क्या वीकनेस पॉइंट था, सारी चीज़ें के यहाँ पे आपको शो होंगी। ठीक है क्लैशर्स, आई होप सो आप लोग को इससे रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं होगा। और जैसे ही आप फिनिश नॉक कर दोगे, तब यहाँ पे एक ऑप्शन, आप जो जो प्लेयर को इन्वाइट किए हो ना, उन सारे प्लेयर्स के पास ऑप्शन जाएगा यहाँ पे रजिस्टर करवाने का। ठीक है, उन सारे प्लेयर को रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। देखो जैसे ही आप होम पेज में आओगे, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क में ये चीज मेंशन रहेगा, यू हैव इनवाइटेड प्लेयर हु हैव नॉट इट रजिस्टर्ड, प्लीज आस्क योर रोस्टर मेंबर टू रजिस्टर। तो आप लोग सभी लोगों को कह देना मैं रजिस्टर करवा दिया हूँ, और आप लोग भी रजिस्टर करवा लो अपना अपना। उन लोगों को टीम नहीं बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उनको बस रजिस्टर करवाना होगा अपने आप को। ठीक है, जिससे पता चल सके उनका आइडेंटिटी क्या है। तो गाइज ऐसे कुछ प्रोसेस थे आप लोग को वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए, इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, और आई होप सो आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब, अगर कोई भी और भी डाउट रह चुका है इस वर्ल्ड चैंपियनशिप से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के और भी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन क्लैशर्स।